वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। सो इस वीडियो में आज देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर का सॉल्व असाइनमेंट जो कि MCS 024 है, विच इज़ जावा प्रोग्रामिंग। सो इसके सॉल्व असाइनमेंट देखेंगे और बाकी फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे डे बाई डे। जैसे जैसे मैं सॉल्व असाइनमेंट करती जाऊँगी वैसे अपडेट करती जाऊँगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हमेशा चेकआउट करते रहना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक आया या नहीं, ठीक है। जो अभी नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें आते आते हम आपके सारे के सारे सॉल्व असाइनमेंट सारे सेमेस्टर के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। फिर सेकंड थिंग कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग जो है उसका जो आउटपुट है या जो भी आप कोड लिखते हो वो आप क्या कंपाइलर में यूज़ करके बनाना है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके पास पिक्चर्स हैं, मतलब जैसे कि अगर मेरे पास हम काफ़ी सारे आउटपुट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो अगर उस आउटपुट को आपको अगर मतलब लिखना नहीं है तो प्रिंट आउट करके उस आउटपुट को दे सकते हो। कोड तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉपी पे, मतलब आई मीन जो पेजेस होते हैं उस चीज़ पर आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है कंपाइलर पर, ठीक है। और हाँ, जितने असाइनमेंट्स आप बनाते हो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप हैंडमेड ही बनाओ, लाइक प्रिंट आउट वगैरह मत करो। जैसे काफ़ी सारे जो कि प्रैक्टिकल वाले जो असाइनमेंट होते हैं लैब वाले, वो काफ़ी लोग करते हैं कि वो सारे के सारे प्रिंट आउट ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके ना मार्क्स बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर MCS 024। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 पार लेके जाओ फटाफट से, तभी आपके असाइनमेंट जल्द जल्दी से अपलोड होंगे, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो एंड एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन विद द एग्जांपल इन जावा, राइट। ओप्स इज अ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके थर्ड सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ा है। इनकैप्सुलेशन और थोड़ा सा कोड विद हिज एग्जांपल, राइट। वीडियो आप अगर स्क्रीन से लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, आपके यूट्यूब पे ये चीज़ पॉसिबल है, थोड़ा सा यूट्यूब अपडेट करके देखना। बी नंबर क्वेश्चन है कि यूज़ द डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावा। मतलब बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि डिफरेंट मतलब जो भी ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके यूजेस क्या हैं, राइट। सो अर्नरी है, अर्थमेटिक है, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशनल, बीट वाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट, तो ये सब के क्या यूज है। हेयर मैं बता रही हूँ, कैटेगरी के साथ मैं बता रही हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लास। एक्सप्लेन हाउ यू विल डिफाइन बुक इन अ जावा एंड ऑल्सो एक्सप्लेन यूज द ग्रेटर एंड स्लेटर मेथड्स, ठीक है। ये बहुत ही फेमस मेथड है। मैंने भी अपने जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में थी तो मैंने भी ये पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आप पढ़ना। क्लास क्या है उसको बताना है, ठीक है। कुछ मैंने कंटेंट लिखा, फील्ड, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक जैसे, ठीक है। एंड या ग्रेटर एंड सेलेक्टर यूज टू प्रोटेक्ट योर पार्टिकुलर व्हेन क्रिएटिंग अ क्लास, राइट। सी ग्रेटर इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्ट योर डेटा, राइट। इसका यूज होता है प्रोटेक्ट डेटा के लिए, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो सिक्योर योर कोड, राइट। सो एंड वेयर सेलेक्टर सेट्स एन अपडेट वैल्यू, right, and the set of the values in a variable used in class programs and start the word of set, मतलब इसका जो variable code होता है ना word, वो set से शुरू होता है, right, variable name like कह सकते हैं, and greater and set when the programs are conceived in a setting or getting value the particular data types, okay, here the code for greater and set because we have to explain with the help of example.
explain, right? B number question, explain the use of a super and a final key. So I think, see, yeah, explain करना था super और final key, दोनों keyword को, but मैंने forgot कर दिया final key. आप Google पे search करके final key को आप लिख सकते हैं, ठीक है? या मैं description box में final keyword का explanation डाल दूँगी, ठीक है? तो आप वहाँ से B का लिख लीजिएगा. और हाँ, PDF video देखे बिना PDF में आप जाके देखोगे और फिर मेरे को comment या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेजेस टेक्स्ट करोगे कि ये तो ये है ही नहीं, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि फाइनल की मेरे से फॉरगॉट हो चुका है. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें या आप गूगल पे सर्च कर लें, राइट? सी नंबर है कि फैक्टोरियल नंबर फाइंड करना है, ठीक है, इन अ जावा प्रोग्राम. सी, बहुत ईजी मैथड है. आई मीन जावा इज़ अ वेरी वेरी, ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड है, बट ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहा. लाइक स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स रहते हैं इसमें, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती. और इसमें दोनों बेस्ड है, सो ऊप्स और प्रोसीजरल दोनों है, तो बहुत इजीली आप जब सी और सी प्लस प्लस पढ़े होंगे तो ये थोड़ा सा कन्वर्ट करने में इजी हो जाता है, ठीक है. एंड ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का ना, आप खुद सॉल्व करना, बिकॉज I want to try something better for your exams and better for you. So that's why it's this question I will not solve. So you have to solve it. बहुत easy है, ज़्यादा hard भी नहीं है, इसलिए मैंने solve नहीं किया, ठीक है. Explain a user abstract class in a Java with the help of example. या पीडीएफ से नाम चेंज मत किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है, रात रात भर जग के बनाना पड़ता है. एक्सेसिबिलिटी रोल ऑफ पैकेजेस इन जावा. फिर तो मैं इंटरफेस के बारे में बताना है, डिफरेंस बिटवीन भी मैंने डाल दिया कोड के साथ, एक्सपेक्टेशन. उसका सिक्स नंबर मल्टी रेडिंग, आई मीन सॉरी मल्टी थ्रेडिंग इज वेरी फेमस टॉपिक फॉर योर एग्जाम. एप्लेट ड्रो अ ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ऐसे बेसिकली पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चंस. ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. उसके एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, सिर्फ अलाउ द ट्रांसफर प्रोजेक्ट. नीड, वाई नीड अ लेआउट मैनेजमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट और फेमस टॉपिक रहा एग्जाम के लिए दो साल से. अदर एग्जाम्पल, आई मीन कोड, RMI भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी. सो देर, ये भी GDBC भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारा टॉपिक क्लियर करो. एडवांटेज, एग्जाम्पल, कोड्स, प्रोग्राम, एवरीथिंग. सर्वलेट भी, या डोंट रिमूव माय नेम ऑफ दिस PDF. थैंक फॉर विजिटिंग अस, सब्सक्राइब. या सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर का वीडियो होगा. और इसी वीडियो में सारे आपके फोर्थ सेमेस्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड नेक्स्ट वीक तक आपके सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे. तो या टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.